नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। जहां एक तरफ लोग कोरोना की दूसरी लहर से परेशान हैं और अपनों को लगातार खो रहे हैं, वही हालत यह है कि कोरोना के इलाज से संबंधित सभी चीजों की कालाबाजारी जोरों पर है। मनमाने तरीके से दाम वसूला जा रहा है, जिसे जहां मौका मिल रहा है वो वही अपना हाथ साफ कर रहा है। इस तरह के मामले पटना में लगातार देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि राजधानी पटना के राजीव नगर रोड नंबर 23 में डीएसपी भास्कर रंजन के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 42 पीस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रेगुलेटर की कालाबाजारी करते हुए 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। वही बाजार में इसकी कीमत 700 से 800 है और ये लोग 7000 से 8000 में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही डीएसपी भास्कर रंजन के नेतृत्व में छापेमारी कर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रेगुलेटर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी पुणे के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वही बता दें कि कल भी यानी 4 मई 2021 को भी डीएसपी भास्कर रंजन के नेतृत्व में पटना के पत्रकार नगर थाना अंतर्गत 90 फीट रोड स्थित महादेव मार्केट के मौर्या हॉस्पिटल के समीप 12 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। वही एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 50-50 लीटर ऑक्सीजन था।